पचपौली पुलिस स्टेशन की हद में दो आरोपियों द्वारा दिन दहाड़े लूटमार की घटना सामने आई है। आरोपियों ने चाकू का डर दिखाकर फिरियादी से मोबाइल छीना है। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है और दूसरा आरोपी फरार है। मिली जानकारी के अनुसार पचपौली पुलिस स्टेशन की हद में फिरियादी सुमित वासवानी अपनी दो पहिया वाहन से कमाल चौक से इंदिरा चौक तक जा रहा था, तभी अचानक गाड़ी के सामने आरोपी क्षितिज चौक से और उनका दोस्त सागर मंडले अपनी दो पहिया गाड़ी से सामने आए, जिसके बाद उन दोनों में नोकझोंक हो गई। इस घटना के बाद आरोपी क्षितिज और सागर वहां से चले गए, मगर कुछ ही देर बाद फिर से आरोपी क्षितिज वहां पर आया और हवा में चाकू लहराकर गाली गलौज देने लग गया, जिसके बाद फिरियादी सुमित को धमका कर उसके पास से एप्पल का मोबाइल छीन लिया। काल दिनांक 7/2/2024 संध्याकाळी 8:15 फिरियादी सुमित श्रीचंद वासवानी वय वर्ष 22 राहणार जरीपटका यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट दिला की तो कमल चौकातून इंदिरा चौकाकडे जात असताना त्याच्या स्कूटीने समोर एक काळ्या रंगाची बिना नंबरची स्कूटी आली, ती एकमेकांच्या अंगावर गेल्यामुळे दोघे आरोपी अज्ञात आरोपी व फिरियादी यांची बाचाबाची झाली। यातील आरोपी हे नंतर निघून गेले व थोड्या वेळामध्ये हातामध्ये कोयता घेऊन फिरियादी याच्या पाठलाग करून महादेव मोबाईल शॉप इंदोरा चौक इथं आले आणि त्याला धमकवत होते आणि हवेमध्ये कोयता घेऊन, तेवढ्यामध्ये लोक जमा झाल्याने त्यांनी फिरियादीचा एक मित्र त्याचा फोनवर बोलत असताना त्याचा आयफोन चोरून पळून गेले। पळता पळता त्यांनी त्यांची स्कूटी पण जागेवर सोडली आणि काही रस्त्यावर जाऊन त्यांनी त्यांचा कोयता फेकून दिला। ह्या असा रिपोर्ट पोलीस स्टेशनला अपराध नंबर 82/24 392/294/506(b) हत्यार कलम 425 व कलम 135 महाराष्ट्र पोलीस ॲक्ट दाखल झाला। पाचपावली पोलीस स्टेशनचे गुन्हे शोध पथकाने तात्काळ घटनास्थळी भेट दिली। तपास अधिकारी PSI भार्गव साहेबांनी तात्काळ भेट दिली व घटनास्थळाचे CCTV फुटेज पाहिले। त्यानंतर काही वेळामध्ये आरोपी क्रमांक येत क्षितिज अनिल चोक्षे याला अटक केली। त्यानंतर त्याने गुन्ह्यामध्ये कबुली दिली व त्याचा जो मित्र आहे सागर म्हणल्या हा याच्यावर काही पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल आहेत असं क्राईम रेकॉर्डून दिसतंय, तो सध्या फरार आहे। गुन्ह्यामध्ये काळ्या रंगाची स्कूटी गाडी बिना नंबरची कोयता जप्त केलेला आहे व आता आरोपीचं पुढील तपास सुरू असून इतर मुद्देमाल जप्त करणे बाकी। इस मामले में झगड़ा होते ही लोगों ने आरोपी को पकड़ना चाहा तो दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी क्षितिज को गिरफ्तार किया है तो कुख्यात सागर मंडले फरार बताया जा रहा है। इस घटना से लगता है कि छोट मोट चोरों चक्के भी अपना दबदबा बनाना चाह रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बाद शायद इन मामलों में कमी आएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।